गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज पढ़ने के मामले में जो विवाद हुआ था, अब उस पर बड़ा एक्शन सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार गैर कानूनी रूप से रहने के आरोप में 7 विदेशी स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया है। इस बात की जानकारी अफगानिस्तान कॉन्सुलेट को देकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने उन्हें वापस अपने देश लौटने की व्यवस्था की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा, जो भी विदेशी स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है, लेकिन 7 स्टूडेंट्स लंबे समय से अलग अलग वजह बताकर यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब पूर्व स्टूडेंट्स की कैटेगरी में शामिल हैं और नियम के मुताबिक उन्हें यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से हम उन्हें अपने देश में लौटने का आदेश दे रहे हैं। इस बात की जानकारी उनके कॉन्सुलेट को दे दी गई है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज पढ़ने को लेकर विदेशी छात्रों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। इस दौरान बाहर से 20-25 लोग छात्रों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की थी। ये मामला विदेश मंत्रालय तक पहुँच गया था, जिसके बाद अफगानिस्तान से एक प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।